सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सब श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है। वेद के विरुद्ध वेद के प्रतिकूल वेद से विमुख होकर के हम कभी भी उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आत्मिक शांति भी नहीं प्राप्त होगी। परिवार समाज राष्ट्र को भी हम उन्नत नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमारे कैसे कर्तव्य होने चाहिए, हम अपने जीवन में कैसे स्वभाव को स्थान दें जिससे हमारा यह जीवन देवत्व से परिपूर्ण हो जाए। हम एक एक कर्म को बड़ी दिव्यता से करें। ये जीवन बड़ा अनमोल है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। सभी शास्त्रों ने सभी ग्रंथों ने बार बार यही कहा है। फिर भी हम संसार में आकर के ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं, ऐसे कारोबार में फंस जाते हैं कि हम उससे बच नहीं पाते। फिर संसार में कैसे जीवन को जीना। तो वेद सबकी शिक्षा देता है, चाहे हम गृहस्थ हों, घर परिवार को चलाने वाले हों, चाहे संसार और समाज को चलाने वाले हों, विद्यार्थी के रूप में हों, ब्रह्मचारी सन्यासी के रूप में हों, गृहस्थी वानप्रस्थी के रूप में हों, किसी भी देश किसी भी काल किसी भी समय में कैसे भी हाल में हों, वेद की आज्ञा हमको सर्वथा सर्वदा सर्वत्र उन्नत ज्ञान प्रदान करती है। हम अपने कर्तव्यों का पालन हर स्थान पर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सतत स्वाध्याय हमको अवश्य करना चाहिए। चाहे माँ चाहे पिता चाहे भाई चाहे बहन चाहे बेटा चाहे बेटी चाहे पति चाहे पत्नी, किसी भी रूप में हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उस समय हमको सदा सर्वदा वेदों के ज्ञान के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। और वेद हमको संकीर्णता नहीं सिखाता है, संकीर्णता की शिक्षा तुच्छता की शिक्षा नहीं देता है। वो वेदों का ज्ञान सबसे महान है संसार में, यह हमको विशालता देता है, हमारे हृदय में विशाल स्नेह प्रेम करुणा और सब कुछ सहन करने का सामर्थ्य देता है। इसलिए वेदों का ज्ञान बड़ा ही महान है। ज्ञान संदेश की प्राप्ति वे प्रभु हमारे जीवन में देते हैं, क्योंकि कल्याणी वेदवाणी का उपदेश उस परमात्मा का उपदेश है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को उपदेश देते हैं कि ऐसा करना ऐसा नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है, माता पिता गुरु से ज्यादा हितैषी और कोई हो नहीं सकता संसार में। इसलिए अपने माता पिता गुरु आचार्य की बात को जरूर मानना चाहिए, नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। तो वो तो गुरुओं का भी गुरु परमात्मा है, वो पिताओं का भी पिता है, माताओं का भी माता है, वो जगत जननी है, जगत पिता है। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया। तो संसार में विद्यमान हर स्थान में तो उसका ज्ञान हम कैसे पाएं और उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को कैसे जिएं, यह अत्यंत महनीय ज्ञान है। ज्ञान का संदेश हम जरूर प्राप्त करें। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 8वें सूक्त का 4था मंत्र आज हम आपके समक्ष रखेंगे। इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूँ। छोटे छोटे वेद मंत्र हैं, आप इनको स्मरण भी कर सकते हैं। इसको मैं लिखता हूँ फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष।
ओम सहोता सेदु दूत्यम सहोता सेदु दूत्यम सहोता सेदु दूत्यम चिकित्वा अंतरीयते चिकित्वा अंतरीयते अंतरीयते विद्वा आरोधनम दिवः आरोधनम दिवः ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के आठवें सूक्त का यह चतुर्थ मंत्र है। ॐ सहोता सेदु दूत्यं चिकित्वा अंतरीयते विद्वा आरोधनं दिवः ॐ सहोता सेदु दूत्यं चिकित्वा अंतरीयते विद्वा आरोधनं दिवः। बहुत सुंदर आशय इस वेद मंत्र का। सह अर्थात सह माने वह कौन, वह परमात्मा। जब हम सह बोले तो सह उसके लिए आता है, वह जो सबका नियंता है परमात्मा। और जब यह बोले इह, तो यह बोलते हैं प्रकृति के लिए, जो कुछ हमको दिखाई पड़ता है। वह बोलते हैं परमात्मा के लिए। और जब अहम मैं बोलता हूं तो खुद के लिए, आत्मा के लिए। तो सह वे वह परमात्मा, वह प्रभु होता सब कुछ देने वाला है, वे सब कुछ हमको देते हैं। तो ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। पहले प्रार्थनाएं गाते थे, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस संसार में जो कुछ भी है, संसार का कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी ऐसी लेबोरेटरी नहीं है जो कोई नई चीज बना करके दिखा दे। कोई नया फल बनाया हो तो बताइए कि नहीं, ये जो है इस फैक्ट्री में नया फल आज बन करके आया है। जितना संसार में है, कोई नया फल आया क्या आज तक? कोई नया अनाज आया हो तो बताइए? ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। हाँ, इसमें वो कुछ ना कुछ मिलावटी काम तो जरूर कर देंगे, हाइब्रिड तैयार कर देंगे,
हाइब्रिड तैयार करते हैं कि नहीं, तो संकरता पैदा कर देंगे। लेकिन कोई नई चीज एक चुटकी मिट्टी बना पाया क्या, एक बूंद खून की बना पाया क्या? सब कुछ करने पर भी मनुष्य सब कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा लगता है सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये केवल कहने की बात है। उस परमात्मा का ही सामर्थ्य दिया होता है तो भी इतना कर पाता है, नहीं तो कर ही ना पाए। इसलिए वही सब कुछ देता है और वह देता है, कभी भी थकता नहीं। भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को, भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को, देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवन हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलू नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलू नहीं, भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संग हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। आप कभी डिस्कवरी देखिए, क्योंकि सब व्यक्ति हर स्थान पर पहुंच नहीं सकता। कितने प्रकार के पशु पक्षी, कितने प्रकार के सर्प, कितने प्रकार के मोर, कितने प्रकार के तोता, कितने प्रकार के मतलब आप एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कितने प्रकार के कुत्ते, कितने प्रकार के जो है बंदर, सब कौन कर रहा है? कोई फैक्ट्री लगी है क्या कहीं? किसी देश विदेश में कोई ऐसा है क्या? कहीं नहीं है। कौन बना रहा है? सब ईश्वर की रचना है, वे प्रभु सब कुछ देते हैं। इतने प्रकार के फल देते हैं, अब फलों में कितनी कैटेगरी, आम कितने प्रकार के हैं, ढेर सारे आम हैं, मतलब कितना ईश्वर देता है। बस गूंगी जुबान हो, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान हो, नेति नेति नाइति नाइति, ऋषियों ने कहा कि हम उसका बखान नहीं कर सकते, इतना वो देता है।
और लेता है तो छप्पड़ भी उखाड़ लेता है, दरवाजा उखाड़ लेता है, ये भी बात है। देता है तो झोली छोटी पड़ जाती है, और लेता है तो कुछ भी छोड़ता भी नहीं है। तो ये बात कही है कि सह इत उ, और वे प्रभु ही दूत्यम, दूत कर्म को चिकित्वान जानते हुए जान का संदेश प्राप्त कराने का ध्यान करते हुए अंतः यते हृदय देशों में गति करते हैं। द्यावा पृथ्वी के मध्य में अंतरिक्ष में गति का भाव यही है कि मस्तिष्क और शरीर के मध्य में हृदय देश में गति करना। यहाँ हृदय में गति करते हुए ही वे प्रभु जान का उपदेश करते हैं। परमात्मा सब कुछ दे भी रहा है और इसका कैसा उपभोग करना है, कैसा जीवन और इस जगत का उपभोग करते हुए जीवन को दिव्यता भव्यता से जीना, इसका भी संदेश देते हैं बार बार। जब भी गलत हम करते हैं तो हमको रोकते हैं कि ना इस काम को मत करो, ये अच्छा नहीं है। हमको भय, शोक, लज्जा, शंका, चार चीजें जब मन में उत्पन्न हो, हृदय में यह प्रेरणा उठे कि नहीं इसको नहीं करना, अच्छा काम नहीं है, तो इन चार चीजों के होने पर उस काम को नहीं करना चाहिए, उसका संदेश है, उसका उपदेश है। यह भय, शोक, लज्जा और शंका उत्पन्न हो तो वह परमात्मा संकेत कर रहा है। जब हम चोरी करने जाते हैं तो मन बिल्कुल मानता नहीं, नहीं ठीक नहीं है, मन कहें उसको, बुद्धि कहें, चित्त कहें, एक संदेश जो हृदय में उतरता है। किसी की हम हिंसा करते हैं, किसी को अपमानित करते हैं तो मन में आता है ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन जब हमारी बुद्धि खराब हो जाती, बुद्धि दूषित हो जाती है तो हम गलत काम को भी कर लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारी आत्मा की पुकार है, मेरी आत्मा नहीं कहती कि इससे मैं बात करूं, मेरी आत्मा नहीं कहती कि मैं इसका सत्कार करूं। ये मन के विकार को आत्मा की पुकार हम समझ लेते हैं, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। बोलो मेरा मन आज कुछ जो है ना उदंडता करने का है, मेरी आत्मा कह रही कुछ थोड़ा सा जो है ना कुछ हो जाए, तो ये मन को जो है नियंत्रण में करें। मन के विकार और जो कुसंस्कार हैं उनको आत्मा की पुकार कभी ना समझें। तो इस बात को हमको गंभीरता से समझना चाहिए। और जो लोग ऐसा गलत कार्य करते हैं तो फिर बोले बार बार परमात्मा तो संकेत करता है, फिर गलत काम क्यों कर बैठते हैं लोग, क्योंकि इतना वो अभ्यस्त हो जाते हैं उस काम को करते करते कि फिर उसकी पुकार उनको सुनाई नहीं पड़ती। जो अच्छा व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है, जो संवेदनशील व्यक्ति है, वो छोटी सी भी कोई हिंसा हो जाती है उससे, चींटी मर जाए उसकी या मच्छर भी मार दे तो उसको पश्चाताप होता है। और कई लोग तो कितने जो है पशुओं को मारते हैं, इंसानों को मारते हैं, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उनकी आत्मा मर गई है। मर गई मतलब आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन वो संवेदनशीलता छोड़ देते हैं, संवेदनहीन हो जाते हैं, स्वार्थ में, अंधकार में, अविद्या में, पाप से युक्त हो जाते हैं, जिसके कारण उनका अस्तित्व दैत्य का हो जाता है, वो राक्षसी स्वभाव वाले हो जाते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। इसलिए प्रभु का जो उपदेश संदेश है हमारे हृदय में उतरता है, हम उसको सुनना, समझना, जानना, पहचानना करने का प्रयास करें, उसको जानने पहचानने का सामर्थ्य अर्जित करें। वे प्रभु दिवह प्रकाशमय लोक के आरोधनम, आरोहण को सीढ़ी का विद्वान जानते हैं, अर्थात प्रभु से इस आरोहण के ज्ञान को प्राप्त करके हम भी स्वर्ग लोक में जो है आक्रमण वाले होते हैं, अर्थात आक्रमण का मतलब उसमें पहुंचने का सामर्थ्य रखने वाले होते हैं। वहां स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, इसकी भी परिभाषाएं हैं, क्योंकि स्वर्ग और नर्क सब यही है। ऐसे तो बहुत या पूरा ब्रह्मांड किसी ने जाना नहीं आज तक, समझा नहीं है। आज तक हम अपने सौर मंडल को ही नहीं पार कर पाए। अभी तो बोलते हैं कि करोड़ों सूर्य हैं और वो कहाँ, ब्लैक होल में समाए हुए, ऐसा बोलते हैं ना। एक सूर्य का ही हम चक्कर नहीं लगा पाए, एक सूर्य का ही रहस्य नहीं समझ पाए, तो कितनी पृथ्वियां होंगी, ये भी एक रिसर्च का विषय है। तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है इस सारे संसार में। तो इस वेद मंत्र का भाव क्या है कि वे सब कुछ देने वाले हैं प्रभु, और हृदय स्थ रूपेण ज्ञान का संदेश भी देते हैं, प्रकाशमय लोक में पहुंचाने के मार्ग को भी वही बतलाते हैं। इसलिए हम प्रभु के द्वारा दी गई प्रेरणा का कभी भी अनादर न करें। जो भी हमारे मन में, हमारे हृदय में
सच्चा अच्छा संकल्प उत्पन्न होता है उसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। अब भोजन कर रहे हैं, अब भोजन बहुत अच्छा है, अब मन में आ रहा है, हृदय कह रहा है बस अब तो पर्याप्त है, इतना तो खा लिया, फिर नहीं नहीं और लाओ और लाओ, फिर वो हानिकारक हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों पर भी प्रेरणा हमको मिलती है। अब सुबह ठंड है, सुबह उठने की बारी आए, तो आप लोग ने सुबह उठना है, जागना है और फिर दिनचर्या आरंभ करनी है। परंतु फिर आलसी व्यक्ति सोचता है चलो एक नींद और मार लेते हैं, अभी तो समय है, चलो। अब ये क्या है, ये आलस से प्रमाद है, ये उठने नहीं देता है, इसलिए व्यक्ति की प्रगति नहीं होती, उसकी दुर्गति हो जाती है। बहुत सुंदर बात आगे कही है, पांचवें मंत्र में भी कहा कि यज्वा प्रभु की प्राप्ति, तो कहा कि ओम तिस्याम ये अग्नये तदाशासुर्हव्यदाति भी या इम पुष्यंता इंधते, कहा कि प्रभु से जान के संदेश को सुनकर, वो हमको जान देता है ना, सबसे पहले जान देने वाला भी तो वही है, प्रभु ही है ना। कुछ आप देखें जन्म जन्मांतरों से कई लोग विद्वान होते हैं, परंतु उनको जब ऐसे वातावरण में रखा जाता है तो जन्म जन्मांतरों की स्मृतियां आने लगती हैं और उनको जल्दी स्मरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह आदि परमेश्वर है, वह आदि गुरु है। सह पूर्वे साम अपि गुरु काले न उच्छेदात, वो गुरुओं का भी गुरु है, इसलिए हम इस प्रकार से उसके संदेश को सुने और सुनकर के ते वे श्याम हो जो अग्नये अग्नि के लिए हव्य दाते भी, हव्य पदार्थों के देने के द्वारा ददाशु अपना अर्पण करने वाले होते हैं। यज्ञों में हव्य पदार्थों की आहुति देते हुए ये लोग यज्ञ में जीवन वाले बन जाते हैं और हम ऐसे ही बने। इम निश्चय से पुष्यंता, इन यज्ञों से अपना पोषण करते हुए अपने जो है हर प्रकार से हृदयों में पवित्रता को धारण करते हुए उस प्रभु को समिद्ध करते हैं। यज्ञों से स्वार्थ वृत्ति विनष्ट हो जाती। यज्ञ का तात्पर्य एक तो आहुति हम देते हैं स्वाहा स्वाहा करके, ये द्रव्य यज्ञ है, इसमें क्या सामग्री डालते हैं, शाकल्य डालते हैं, घृत से आहुति देते हैं, ठीक है, सामग्री देते हैं। एक यज्ञ जो हमारे अर्पण का, जो भी कल्याणकारी कर्म है, जो भी हमारा समर्पण है, जो भी हम अर्पण करते हैं, जो भी हम संसार की सेवा के लिए त्याग करते हैं, अपने सुख स्वार्थ की सिद्धि को एक तरफ रख करके हम निस्वार्थ भाव से जब त्याग की भावना से कर्म करते हैं तो वह भी यज्ञ के रूप में ही है, उसको भी यज्ञ कहा जाता है। देव पूजा संगतीकरण दानेशु, तीन अर्थों में यज्ञ का भाव प्रकट किया जाता है। तो जो भी हमारे अंदर देवों के प्रति जो देते हैं उनके प्रति आदर का जो भाव स्वभाव है वह भी यज्ञ है। हम दूसरों के कल्याण के लिए जब निरत होते हैं, लग जाते हैं, तो वो भी यज्ञ है। यज्ञ भी करने के तीन साधन हैं, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी। हम यज्ञ करते हैं, मन से ही किसी की हम भलाई कर रहे हैं तो ये भी यज्ञ है, वाणी से किसी को हम प्रसन्न कर रहे हैं, वाणी से किसी का कल्याण कर रहे हैं तो ये भी यज्ञ है। अब जैसे गुरु से हम उपदेश सुनते हैं, गुरु से हम पाठ सुनते हैं, फिर उसको जीवन में उतारते हैं, यज्ञ कर्म हो गया कि नहीं, यह भी यज्ञ है। तो जो भी भद्र है, जो भी कल्याणकारी है, जैसे माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसको पालती पोसती है, उसका भरण पोषण करती है, उसको संस्कारित करती है, वो भी यज्ञ है। वो द्रव्य यज्ञ भले ही नहीं कर रही है लेकिन यह भी एक यज्ञ है। माता पिता मिलकर के संतानों को शिक्षित करते हैं, यह भी एक यज्ञ है। किसान खेत में काम करता है, खून पसीने बहाता है, अन्न पैदा करता है, जिससे समाज को अन्न मिलता है, भरण पोषण होता है, वह भी यज्ञ है। यह नौजवान बर्फीली पहाड़ियों में शीत लहर चलती है, जहां पर एक मिनट भी खड़ा होना मुश्किल है, 24 घंटे वो ड्यूटी में रहते हैं, इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, वह भी यज्ञ है। तो समस्त संसार यज्ञीय है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, संसार में जो कुछ भी हम व्यवस्था देख रहे हैं यह यज्ञ का ही स्वरूप है। इसलिए जिनका जीवन यज्ञीय होता है वो स्वार्थ को छोड़ करके प्रभु के दर्शन की प्राप्ति उनको होती है, और स्वार्थ ही एक ऐसा आवरण है जो हमें
प्रभु दर्शन से वंचित कर देता है हमको। जब स्वार्थ की भावना आएगी, केवल संकीर्ण विचार हमारे अंदर जब उपजेंगे, तो हम कभी भी अपने कल्याण को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हम उस प्रभु से, उस गुरु से बार बार यह प्रार्थना करें कि हमारा उद्धार हो, हमारा कल्याण हो। जो सामने गुरु हैं प्रत्यक्ष रूप में, वह भी उस परमात्मा का ही प्रतिरूप हमको समझना चाहिए। माता प्रथम गुरु है, पिता द्वितीय गुरु है, और जो आचार्य है वो तृतीय गुरु है। तो तीन गुरुओं का सानिध्य जिनको मिलता है, उनका जीवन बड़ा ही दिव्य हो जाता है। इसलिए प्रार्थना हम करें कि हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आ धीन शरण अब शरण में लीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा कोई न देता, आसरा कोई न देता, आप ही कुछ कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कोई जान है, मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कोई जान है, जान का दीपक जला कर, जान का दीपक जला कर दिल को रोशन कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, पाप बोझे से लदी नहीं या भवर में आ रही, पाप बोझे से लदी नहीं या भवर में आ रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, ओम शांति 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 ही।